गुड मॉर्निंग ऑल योर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजियस आइडिया, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। वी लर्न फ्रॉम द प्रीवियस क्लास द जनपद एंड महाजनपद ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 5th century। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्यूरिंग द 6th century टाइमिंग पीरियड। देखो बी सी का मीनिंग है बिफोर क्रिश्चियन एरा। फर्स्ट डिस्कसिंग पार्ट है यहाँ पर, देखो लर्निंग आउटकम्स में इमरजेंसेस ऑफ न्यू रिलीजियस द उपनिषद, ब्राह्मिन्स उपनिषद, ये सब नाम पहले सुने हो, इससे रिलेटेड पार्ट्स हैं यहाँ पर। टेक्निक्स, लिटरेचर एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो पार्टिकुलरली एक रिलीजियस फेथ है उस वो किस तरह से वर्ल्ड में, वर्ल्ड का इकोनॉमिक परसेप्शन में स्प्रेड हुआ था वन प्लेस टू अनदर प्लेस में। बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट जो कॉन्सेप्ट है, जो रिलीजियस बिहेवियर्स है, उसका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वर्ल्ड का हर एक पार्ट में। टेक्निक्स, लिटरेचर एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, टेक्निक्स, लिटरेचर एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, सेम टाइप बुद्धिज्म का जैसा जैनी जो धर्म है, रिलीजियस है, वो भी किस तरह से स्प्रेड हुआ था। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बताया गया है। ड्यूरिंग द 6th century BCE द सोसाइटी फॉलोड ए रिजिड कास्ट सिस्टम एंड स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस सेट बाय हिंदुइज्म। 6th century का टाइमिंग पीरियड में सोसाइटी जो था, सोसाइटी में बहुत सारा कास्ट सिस्टम जो है, मींस अलग अलग कास्ट, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, जो फोर डिवीजन था कास्ट सिस्टम का। कौन सा टाइमिंग में? वैदिक टाइमिंग पीरियड। वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम का जो जनरेशन था, जनरेशन को फोर ट्रेडिशन में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसका अलग अलग पोजीशन था स्टेज का बेसिस में। रिलीजियस वर्कशिप बिकेम ए कॉम्प्लेक्स रिटोलशिप्स एंड द एक्सपेंसिव अफेयर्स। रिलीजियस जो परसेप्शन था उसका देखो सिमिलरिटी नहीं था हर जगह में, रिलीजियस फेथ का मतलब एक डिफरेंसेस था। सो रिलीजियस डिफरेंसेस से पॉपुलेशन का जो मेंटेलिटी है, मेंटल थीम है, उसमें भी डिफरेंसेस देखा गया था। वर्किंग परसेप्शन में भी डिफरेंसेस आ गया, क्योंकि मेन रिलीजियस परसेप्शन जो है वहाँ पर ही डिफरेंसेस स्टार्ट हुआ है। विद द ग्रोथ ऑफ टाउन, सिटीज एंड ट्रेड, नाउ सोशल ग्रुप एमर्ज। टाउन का ग्रोथ का साथ साथ सिटीज का ग्रोथ होने लगा। ट्रेड मीन्स बिजनेस, जिसको बोल सकते हो ट्रेडिंग पर्पस का एक टर्म है ट्रेड। ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस में क्या हुआ, बिजनेस का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने लगा, बिजनेस का डेवलपमेंट हुआ, तो उसका साथ साथ सोसाइटी जो है, सोसाइटी में भी चेंजेबिलिटी देखा गया। सोशली इनफीरियर पोजिशन स्विच दे वॉन्टेड टू इम्प्रूव। सोशल का जो, सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, पोजिशन जो था, वो भी चेंज हुआ। फ्रिक्वेंटली वेयर्स वेयर ऑल्सो फ्रॉट बिटवीन द वेरियस महाजनपद क्रिएटिंग एन एटमोसफियर ऑफ अनरेस्ट। जो वेरियस महाजनपद, डिफरेंट टाइप्स ऑफ महाजनपद जो था, उसमें क्या देखा गया कि उसमें क्रिएटिविटी, जैसे कि महाजनपद में मैं तुम लोग को बताया था पहले कि टोटल इंडिया में 16 महाजनपद था, काशी, कोसल, कुरु, कंबोज, मगध, मत्स्य, मल्ल, अलग अलग जो नाम है सबका, महाजनपद का अलग अलग नाम है। तो उसमें से मगध जो है सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, जो अभी प्रेजेंट कौन सा जगह में लोकेटेड है, बिहार में है। वहाँ पर मतलब उसका जो सराउंडिंग एरिया था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अच्छा से होता था, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का साथ साथ मतलब ह्यूमन का एक सुइटेबल लिविंग कंडीशन वहाँ पर रह गया था, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किंग का सिलेक्टेड जगह सबसे पहले अटेम्प्ट का कौन सा जगह को कैप्चर करना था, मगध को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद था। डिसटिस्फाइड विद द प्रिवेलिंग कंडीशंस पीपल बिगिन टू सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स। इसी कंडीशन में पीपल जो है, जिस टाइमिंग में सबको सिमिलरली सब कुछ नहीं मिल रहा है सब, उस टाइमिंग में पीपल जो है, लोकल पीपल मीन्स पॉपुलेशन को बोला जा रहा है, वो अल्टरनेटिव, अगर उसको फूड में से क्रॉप नहीं मिल रहा है, मतलब एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, तो एग्रीकल्चर का अल्टरनेटिव क्या मिलेगा, उसका लिए वो सोच रहा था।
जिससे उसका खुद का जो नीड्स है उसको फिल कर सके। मेनी न्यू रिलीजियस प्रेस स्प्रिंग आप द ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत सारा रिलीजियस स्प्रेड उस टाइमिंग में हुआ था, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बुद्धिज़्म। ऑफ दिस बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म आर द ओनली वंस दैट हैव सर्वाइव्ड, उसमें से देखो बुद्धिज़्म है जैनिज़्म जो है वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ था। मैनी ऑफ दिस न्यू रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल आइडिया आर मैंसेंड इन द उपनिषद। उपनिषद क्या है? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर हिंदू रिलीजियस परसेप्शन। उपनिषद में देखो बहुत सारा रिलीजियस मतलब जो फेथ है रिलीजियस का जो स्टोरी है वो उसमें लिखा गया था। किसमें? उपनिषद में, ब्राह्मीन उपनिषद जो इम्पोर्टेंट रिलीजियस बुक्स है। एंड द बुद्धिज्म एंड द बुद्धिस्ट एंड जैनिस एग्जिस्ट, इसमें से बुद्धिस्ट जैनिस का भी मतलब फेमसिबिलिटी देखा गया। उसके बाद देखो यहाँ पर बताया गया नीचे देखो द बुद्धिज्म द बुद्ध अर्ली लाइफ, बुद्ध का अर्ली स्टार्टिंग कैसे हुआ था उसका जगह थोड़ा सा बताया गया। प्रिंस सिद्धार्थ से एंजॉयड एंड अपलेंट लाइफ, सिद्धार्थ जो था वही उसी को बुद्धिज्म का जो बुद्ध भगवान मतलब गौतम बुद्ध जो था उसका ओल्ड टाइमिंग में उसका जो छोटा टाइमिंग में उसका नाम था सिद्धार्थ, उसका जो लाइफ स्टोरी है उसका जगह बताया गया है यहाँ पर। देखो रिलीजियस लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म मीट द नीड्स ऑफ द पीपल एट टाइम, इस टाइमिंग में रिलीजियस में से कौन कौन सा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है जो कि इम्पोर्टेंट रिलीजियस परसेप्शन में था वो पॉपुलेशन का जो मीट्स है मतलब बहुत सारा पॉपुलेशन में से मीट्स कर रहा था, उसका नीड्स है उसको फिल कर रहा था, सारे पॉपुलेशन का जो मेंटली जो मतलब इच्छा जिसको बोल सकते हो मेंटली जो विश है उसको फिल कर रहा था उस टाइमिंग में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। द कॉमन पीपल डिड नॉट वॉन्ट टू परफॉर्म एक्सपेंसिव सेरिमोनीज व्हिच इन्वॉल्व स्कैरिंग कैटल टू प्रोड्यूस, दिस रिलीजियस बिकेम पॉपुलर बिकॉज दे प्रेस्ड नॉन वायलेंस टूअर्ड्स ऑल लिविंग थिंग डिड नॉट बिलीव द एक्सपेंसिव सेरिमोनीज। इस टाइमिंग में जितना सारा सेरिमोनी मतलब किया जाता था कौन सा टाइमिंग में बुद्धिज्म जैनिज्म का टाइमिंग में वो सारे सेरिमोनीज में क्या किया जा रहा था उस टाइमिंग में उसका जो परसेप्शन है बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है मतलब बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा किया जाता था जितना सारा सेरिमोनी किया जाता था रिलीजियस कल्चर में रिलीजियस परसेप्शन में। एंड रिजेक्टेड द वैदिक टेक्स्ट एंड द कास्ट सिस्टम, जिसमें रिजेक्ट कर दिया गया बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो सेरिमोनीज है जो मेन रिलीजियस परसेप्शन है उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। किसको रिजेक्ट कर दिया गया? वैदिक टेक्स्ट, वैदिक जो पीरियड था वैदिक पीरियड में जितना सारा टेक्स्ट लिखा गया था जो कास्ट सिस्टम था टेक्स्ट था उसका जगह को रिजेक्ट कर दिया गया इस परसेप्शन में। द उपनिषद, उपनिषद क्या है? देखो द उपनिषद आर ए टाइप ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट। क्या है उपनिषद? उपनिषद जो है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है एक इंपॉर्टेंट। दे आर राइटिंग ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स, जिसको स्पिरिचुअली मतलब राइट किया गया था। दे फॉल इन टू द कैटेगोरी ऑफ श्रुति, जिसमें श्रुति का जो नियम है उसको फॉलो किया गया था। किसमें? द उपनिषद में। श्रुति क्या है? मतलब सुन के किसी भी स्टोरी का जैसा सॉन्ग का जैसा जिसको सुन के याद रखना है उसको श्रुति बोला जाता है। तो वो भी उपनिषद भी एक इम्पॉर्टेंट श्रुति टाइप का लर्निंग मेथड था। इट इज़ बिलीव दैट द श्रुतिज आर द वर्ल्ड ऑफ गॉड, जहाँ पर सुन के जो गॉड का जो बारे में बहुत सारा बताया जाता था रिलीजियस परसेप्शन का जगह बताया जाता था उसको सुन के याद रखना पड़ता था। किसमें? उपनिषद में। उपनिषद में गॉड का बारे में बहुत कुछ मेथड था मैटर था जिसको सुन के याद रखना पड़ता था। द टर्म उपनिषद मीन्स टू सीट एट द फीट ऑफ एट द टीचर्स टू रिसीव द टीचिंग, जहाँ पर उपनिषद में कैसा किस टाइप का टीचिंग किया जाता था कि टीचर जो है वो टीचिंग प्रोसीड्यूर में उसका बारे में रिलीजियस परसेप्शन को एक्सप्लेन करता था। उपा मीन्स नियर, जो उपनिषद जो है उपनिषद UPANISHAD फुल टर्म जो है UPANISHED
उसमें देखो यूपीए, उपा मीन्स नियर, उपा का जो मीनिंग है उसका मीनिंग क्या है, नियर, एंड नी मीन्स डाउन, उपा मीन नियर एंड नी मीन्स डाउन, एंड सेट उपनिषद, सद मीन्स टू सीट, सद सद मीन्स टू सीट। सो द टर्म उपनिषद लिटरेरी मीन्स टू सीट डाउन नियर। सो उपनिषद जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है लिटरेचर वाइज, सीट डाउन नियर। क्लियर? देखो उपनिषद आर ए सेट ऑफ बुक कंपोज्ड इन संस्कृत, सेट ऑफ बुक कंपोज्ड इन संस्कृत, बहुत सारा संस्कृत बुक का एक साथ मतलब एक इकट्ठा को बोला जाता था उपनिषद। उपनिषद एक टाइप का मतलब संस्कृत लिटरेचर का परसेप्शन था, जिसमें संस्कृत बुक में रिलीजियस कल्चर, रिलीजियस परसेप्शन का एक्सप्लेन किया गया था, और बहुत सारा बुक को एक साथ रखा जाता था इसमें उपनिषद में, जिसमें बहुत सारा मेथड से उपनिषद के बारे में पता चला है। क्लियर? तो द उपनिषद आर ए सेट ऑफ बुक्स कंपोज्ड इन संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज में जिसका राइटिंग किया गया था, सेट ऑफ बुक बहुत सारा बुक को, दे आर कॉन्वर्सेशन बिटवीन ए टीचर एंड ए स्टूडेंट, जहाँ पर कॉन्वर्सेशन किसका किया गया था, एक टीचर से एक स्टूडेंट का, विच आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स, जिसको अभी का टाइमिंग में डायलॉग्स बोला जाता है, वो उपनिषद में था। क्लियर? मोस्ट हिस्टोरियन एंड स्कॉलर्स बिलीव दैट देयर आर 108 उपनिषद, बहुत सारे हिस्टोरियन हैं स्कॉलर हैं जो बिलीव करता था, जो जिसको पता चला था टोटल 108 उपनिषद था, टोटल 108 उपनिषद है, आउट ऑफ विच 11 आर मोर इम्पॉर्टेंट, टोटल 108 उपनिषद है, 108 उपनिषद है जिसमें से 11 उपनिषद है सबसे इम्पॉर्टेंट। दिस इंक्लूड द फॉलोइंग, आर्यावर्त उपनिषद, जिसमें से देखो कौन कौन से उपनिषद का नाम यहाँ पर बताया गया है, आयतेरे उपनिषद, चंद्रगो उपनिषद, कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद, केना उपनिषद, सेवथार्व उपनिषद, मंदुक्य उपनिषद, ब्राह्मण्य उपनिषद, जितना सारा उपनिषद मतलब ये सब टर्म जो है, जो जो मैं बता रहा हूँ सब संस्कृत टर्म है, संस्कृत लैंग्वेज है जिसका जगह यहाँ पर बताया गया है, उपनिषद में इसी का, संस्कृत लैंग्वेज का, संस्कृत लिटरेचर का सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया था। देन द उपनिषद आर मोर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल देन द वेद्स, वेद जो पहले लिखा गया था उसके बाद उपनिषद भी जो है बहुत ही प्रमाण सापेक्ष हो, स्पिरिचुअल मीन्स प्रमाण सापेक्ष हो, जिसका बहुत सारा प्रूफमेंट मिला है, जिसका बहुत सारा प्रूफमेंट मिला है हम लोग को, इसलिए स्पिरिचुअल बोला जा रहा है उस उपनिषद को। तो उपनिषद जो है आर मोर स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल, इसमें फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट भी इंक्लूड है, फिलोसॉफिकल थिंकिंग पोजिशन, फिलोसॉफिकल परसेप्शन का जगह बताया गया है, जिसमें बहुत सारा प्रूवमेंटेशन है, मेनली रिलीजियस परसेप्शन का जगह यहाँ पर बताया गया है। दे डू नॉट गिव मच इम्पोर्टेंस टू रिटूल्स एंड सैक्रिफायर्स, यहाँ पर देखो बहुत सारा रिटूल्स, रिटूल्स मीन्स रिटूल्स क्या होता है, वन बाय वन रिलेशन, वो एक एक मतलब मैटर से और एक मैटर का एक लिंक है, रिलेशन है, और वो कौन सा मैटर है, रिलीजियस मैटर है, इसको रिटूल्स बोला जाता है। दे एम्फासाइज ऑन द रिवर्ड ऑफ लेबर, जेनरोसिटी, कॉम्पेशन एंड द ब्रेवर्टी अमंग द पीपल, पीपल का मैनी टाइप्स है जिसका जगह बताया गया है। अकॉर्डिंग टू द वेद व्हेन ए पर्सन डाइज हिज हर सोल, वेद जो है उसमें एक पर्सन मतलब अपना जो सोल है, सोल को, सोल मीन्स जिसको जिसको आत्मा बोला जाता है, उसको उसका प्रूफ मिला है, उसका बारे में बताया गया है, इज रिबॉर्न एंड द अनदर फ्रॉम इट इज एज इट इज़ कॉन्फर्म्ड द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो एक लाइफ जन्म से लेके डेथ का एक साइकिल का तरह सर्क्यूलर टाइप का चल रहा है, जन्म से लेके डेथ तक एक साइकिलिक मूवमेंट मूवमेशन हो रहा है, जिसका जगह का इसमें बोला गया है, वेद में बोला गया है, अकॉर्डिंग टू वेद व्हेन ए पर्सन, जब एक पर्सन डाइस हिज हर सोल, एक पर्सन अपना सोल से, अपना आत्मा से बात करता है, किस तरह से जन्म से लेके बॉर्न टू डेथ, जन्म से लेके मतलब डेथ होने तक एक साइकिलिक प्रोसेस में, सर्क्यूलर प्रोसेस में सब कुछ काम हो रहा है, ये कहाँ से पता चला है, उपनिषद से।
According to the Upanishad, the Atman can give मुख्य, आत्मा को मुख्य बोला गया है किसमें, उपनिषद में। उपनिषद का जो लिटरेचर है, उपनिषद का जो पार्ट सेक्शन है जिसमें आत्मा को मुख्य बोला गया है, ठीक। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड रिलीफ, जहाँ पर लाइफ जन्म से लेके मौत मतलब डेथ तक एक सर्क्यूलिक प्रोसेस में हर काम हो रहा है। बाय द यूनिटिंग विद द ब्राह्मण यूनिवर्सल सोल, ब्राह्मण का जो सोल है उसको यूनिवर्सल सोल माना गया है, सबसे पवित्र सोल माना गया है। दिस कैन बी अचीव थ्रू द प्रॉपर एंड राइट कॉन्डक्ट नॉलेज एंड बिलीफ, जो एक पार्टिकुलरली राइट नॉलेज को राइट बिलीफ को लेके आगे चलता है। मोस्ट ऑफ द उपनिषद थिंकर्स वेर मैन, सबसे ज़्यादा उपनिषद का थिंकर्स कौन था, मैन था। मैनी ऑफ दिस थिंकर्स वेर ब्राह्मण एंड किंग, उसमें से सबसे ज़्यादा थिंकर कौन कौन था, ब्राह्मण था, बहुत सारे किंग था। ऑकेशनली देयर इज मेंशन ऑफ वोमेन थिंकर सच एज गार्गी, उसमें बहुत सारा वोमेन थिंकर का नाम भी बताया गया था किसमें, उपनिषद में। फॉर एग्जाम्पल गार्गी एज ए वेरी लर्न लेडी हु पार्टिसिपेटेड इन डिबेट हेल्ड इन रॉयल कोर्ट, एक बहुत ही मतलब लर्न लेडी, बहुत सारा मतलब जानने वाला वोमेन है जो जिसका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जो पार्टिसिपेट किया था इसमें रॉयल कोर्ट में, इसका बारे में उपनिषद का मेन प्रूवमेंटेशन है टेम्पसन का बारे में। दीज वेर ऑल्सो पुअर पीपल सच एज द सत्यकाम जबला, सत्यकाम जबला बहुत सारे पीपल भी है जो इसमें पार्टिसिपेट किया था। पार्टिसिपेटेड इन द फिलोसॉफिकल डिस्कशन, जिसमें पार्टिसिपेट होने का साथ साथ उसका फिलोसॉफिकल डिस्कशन डिस्कस भी किया गया, उसके प्रूवमेंटेशन के बारे में बहुत कुछ बताया गया। सत्यकाम जबाला वॉज ए वेरी लर्न एंड द इंटेलिजेंट फिलोसॉफिकल थिंकर, सत्यकाम जबाला, इसको अंडरलाइन करके रखो तुम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है ये सत्यकाम जबाला, जो एक लर्न एंड इंटेलिजेंट फिलोसॉफिकल थिंकर, जो एक बहुत ही लर्नफुल मतलब जिसका नॉलेज सबसे ज़्यादा है, इंटेलिजेंसी सबसे ज़्यादा है, ऐसा एक फिलोसॉफी का थिंकर था सत्यकाम जबाला। ही वॉज द सून ऑफ ए वोमेन कॉल्ड जबाला हु बिलोंग टू ए लो कास्ट, जबाला जो है पर्टिकुलरली वो एक लो कास्ट का पीपल था, कौन सा टाइमिंग में, फिलोसॉफिकल टाइमिंग पीरियड में, मीन्स उपनिषद, जिस टाइमिंग में उपनिषद का राइटिंग किया गया था उस टाइमिंग में जबाला जो है एक लो कैटेगरी का लो कास्ट का पॉपुलेशन था, लेकिन उसका जो नॉलेज है, उसका जो डेप्थ है, फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही फेमस है। ही वॉज एक्सेप्टेड एज ए स्टूडेंट बाय शेख गौतमा, उसका एक स्टूडेंट को वो एक्सेप्ट किया था जिसका नाम था शेख गौतमा, जिसका नाम गौतमा गौतमा था, बहुत ही फेमस, यहाँ से आ रहा है देखो बुद्धिज़्म। देन उसके बाद कौन सा जगह आ रहा है, बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म का जगह कैसे स्टार्ट हुआ, बुद्धिज़्म की इम्पोर्टेंसिटी क्या है, क्या है बुद्धिज़्म। द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म वाज सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध, बुद्धिज़्म का फाउंडर कौन था, सिद्धार्थ, जिसका नाम था सिद्धार्थ और जिसको गौतम बुद्ध भी बोला जाता है, जो था बुद्धिज़्म का फाउंडर। एज ही कम टू नो लेटर, उसका बाद क्या हुआ था देखो, He was born in Lumbini near कपिला वस्तु, वो कहाँ पर उसका बॉर्न हुआ था, लुम्बिनी में, लुम्बिनी कहाँ पर है, कपिला वस्तु, एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जिसका सराउंडिंग एरिया लुम्बिनी है, वहाँ पर उसका बॉर्न हुआ था, किसका, भगवान गौतम बुद्ध का, जो कि बुद्ध बुद्धिज़्म का फाउंडर था, बुद्धिज़्म का फाउंडर था, जो बुद्धिज़्म वर्ल्ड में सबसे फेमस पोजिशन में सिचुएटेड है। इन द प्रेजेंट डे नेपाल, जो कपिला वस्तु जो है वो अभी प्रेजेंट डे कहाँ पर है, नेपाल में है। अराउंड 563 BCE, 563 बिफोर क्रिश्चियन एरा, ही वॉज ए कायस्थ एंड बिलोंगिंग टू द सख्य क्लीन, वो एक कहात्रिया था और सख्य जो है क्लीन से वो बिलोंग किया था। हीज फादर वॉज शुद्धोदाना था उसका पिता का नाम, द चीफ ऑफ द सख्य गणसंघ एंड हिज मादर वॉज ए क्वीन माया, उसका माँ का नाम था क्वीन माया, ठीक। तो ये है लाइफ हिस्ट्री किसका, बुद्धिज़्म का, भगवान गौतम बुद्ध का अर्ली लाइफ। देन उसके बाद अर्ली लाइफ बताया गया है, अर्ली लाइफ क्या है, सिद्धार्थ वॉज मैरिड एट ए यंग एज टू प्रिंसेस
यशोधरा, प्रिंसेस यशोधरा को शायद विवाह हुआ किसका, सिद्धार्थ का, एक यंग एज में, ही हैड ए सॉन नेम्ड राहुल, उसका एक सॉन का नाम था राहुल। डिस्पाइट द हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस लाइफ दैट ही लेड, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उसका जो लाइफ सिस्टम है बहुत ही हैप्पी, मतलब खुश से काट रहा था, प्रोस्पेरियस लाइफ सिस्टम चल रहा था, लेकिन उसमें सिद्धार्थ सेटिस्फाइड नहीं था। देखो मतलब वहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाता तो वर्ल्ड में इतना फेमस बुद्धिज्म का कहाँ से फाउंड किया करता, किस तरह से बुद्ध जो रिलीजियस है उसका डेवलपमेंट हो पाता, मतलब यहाँ से उसका जो मेंटेली चेंज आ रहा है। एनलाइजमेंट, एनलाइजमेंट में क्या बताया गया है, सिद्धार्थ लेफ्ट हिज लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड लुक्सरी एट द एज ऑफ 29 सर्च फॉर नॉलेज एंड फाइंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। सिद्धार्थ लाइफ को छोड़ के, मतलब जो उसका जो फैमिली है, फैमिली को छोड़ के 29 ईयर्स एज में छोड़ के चला गया था, किसका सर्चिंग में चला गया था, सर्चिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का ओरिजिनल मीनिंग क्या है ये जानने के लिए सिद्धार्थ छोड़ के घर के चला गया था। ही वांडर्ड फॉर अबाउट 6 ईयर्स फॉर प्लेस टू प्लेस, 6 साल 6 साल तक वो एक जगह से और एक जगह घूमने लगा। मीट मैनी सेकेंड एंड थिंकर्स एंड लर्न टू द मीडिएट, बहुत सारा थिंकिंग मतलब पार्सेप्शन के साथ वो अलग अलग जगह में राउंड देने लगा। आफ्टर द रीचिंग ऑफ बुद्ध गया इन बिहार, गया और बिहार में वो रीच किया था लास्ट टाइमिंग में, ही सेंट अंडर ए पीपल ट्री, वो एक पीपल पेड़ का नीचे सेंट कर दिया था, मतलब बैठ गया था। इसका जब बाद में का जो जगह है टीचिंग ऑफ बुद्धिज़्म, इसका जगह मैं पूरा तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक, थैंक यू।